सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितने भी पुराने हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। आदत थी रिश्तों में दूध शक्कर की तरह मिल जाने की, याद ही ना रहा कि जमाना तो शुगर फ्री हो गया है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला है। आज का पंचांग 20 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि, रात्रि 9:15 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र रात्रि 2:42 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:33 से 11:41 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। मकर राशि 20 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार, आपको आज बहुत सारी चीजों से जुड़े अपने वादों को निभाना है। अपने सामाजिक वित्तीय तथा निजी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहें। परिजन दोस्तों और सहकर्मियों सभी को आपसे मदद की अपेक्षा रहेगी और आप इस दबाव को सह पाने में बिल्कुल समर्थ हैं। आज अपने शब्दों और कामों दोनों ही तरीकों से लोगों की मदद करेंगे। आज दिन का अधिकतर समय आध्यात्मिक अथवा धार्मिक गतिविधियों में ही व्यतीत होगा। किसी गतिविधि में आपके उत्तम योगदान की वजह से सम्मानित भी होंगे। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता की तैयारी के लिए गुरुजनों का पूर्ण सहयोग भी बना रहेगा। तय टारगेट को हासिल करते समय जिस रुकावट का सामना हुआ है उसकी वजह से आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा। नाराजगी के कारण चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। जरूरी काम पूरा करने के लिए जरूरत से अधिक वक्त लगेगा। दस्तावेजों से जुड़े बातों पर ठीक से ध्यान देते रहें। परिवार से जुड़े लोगों को बड़ा निवेश करने से बचना होगा। पार्टनर और परिवार के लोगों के सुझाव को नजरअंदाज करने से नुकसान हो सकता है। आप अपने संतान के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, जहां आपको उनके मन में चल रही उलझनों को जानने की कोशिश करनी होगी। जीवन साथी को किसी नए नौकरी के मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा ज्यादा रहेगा, जिससे आपको उन्हें करने में कुछ कठिनाइयां आएगी। आपका मन इधर उधर के कामों पर लगेगा। आपकी कोई पुरानी बीमारी की आज उभरने की संभावना है। सावधानियां, किसी भी उपलब्धि को हासिल करने के लिए जिदे ईगो रखना उचित नहीं है। धैर्यशील बने, अपरिचित लोगों की वजह से कुछ धोखा होने की आशंका भी लग रही है। साथ ही स्वभाव में परिपक्वता लाना अति आवश्यक है। बात करते हैं लव लाइफ की। कुछ अच्छे वर्णन व विचार आपके द्वारा आपके साथी तक पहुँचे हैं। आपने कई बार अपने साथी को ये बताया है कि वो आपके लिए कितना महत्व रखता है, लेकिन अब कुछ कर गुजरने का समय है। अपने क्रियाकलापों से अपने प्रेम को सिद्ध करें और आज के दिन क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त है। आपके प्रेम के अभिव्यक्ति के द्वारा आपका साथी खुशी और आश्चर्यचकित महसूस करेगा। बात करते हैं करियर की। दिन की शुरुआत में ही अपने सभी कार्य खत्म करने की कोशिश करें। काम करने का मौका मिल सकता है, किसी भी क्रय या विक्रय में सावधानी बरतें, अन्यथा आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। आपको अपने इस इच्छा शक्ति पर एक मजबूत नियंत्रण करना होगा ताकि आप अपने खर्चों को संतुलित कर पाएं। व्यवसाय संबंधित किसी भी परेशानी में घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन से आपको कोई नई दिशा भी प्राप्त हो सकती है। आय का कोई अन्य साधन भी बनेगा। नौकरी में अपनी इच्छा के विपरीत किसी स्थान पर जाना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। आपको अब धीरे धीरे यह बात समझ में आ पा रही है कि आपको अपने खाने के पैटर्न और अपने जीवन शैली में कुछ बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन आप इस बारे में संदेह के कारण कोई पक्का निर्णय नहीं ले पा रहे।
आज आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे और आप एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक सभी कदम उठा पाएंगी। आपको इस बारे में अपने आसपास रहते किसी आदमी से प्रेरणा भी मिलेगी। आज का उपाय, आज आप लक्ष्मी वैभव व्रत रखें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।